रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आमदा अचार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में मिले। ओदे वास्ते मैं 5 किलो आम लाया। उन्होंने मैं पहलो मतलब सुबह में मंगवाए थे 8-9 बजे, तो उदों ने मैं इन्होंने भीग के रखे। भीग के रख के हूँ इन्होंने मैं धोता धो के इन्होंने सुकाने वास्ते रख दिता। हूँ शाम के 7 बज गए, शाम के 7 बजे तक मैं इन्हों पानी भीग के रख छड़िया। जो अंब लैके आओ ना तुम उदो तुम पानी भीग के रख छो तो फिर अंब काले नहीं होंगे। जो तुम अचार बनाने ना फिर वह काले नहीं होंगे। इन्होंने मैं भीग के रखा। हूँ मैं इन्हों क पानी धो के एन अच्छी तरह धो के खुश करने रख दिते हैं। हूँ मैं इन्हों कटूंगी, मैं कटवाऊंगी। आप तो नहीं मैं कट सकती ना, इन्हों मैं कटवाऊंगी। कटवा के फिर अगे तुम दिखाऊंगी कि अचार किए आम का अचार किए बनाई का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मैं कटवा ले सारे इस तरह करके मैं कटवा ले, कुछ बड़े आ कुछ थोड़े छोटे किए हैं। तकरीबन सारे छोटे या बहुत बड़े नहीं। अगर खान लगो अचार कट गए एक फाड़ी कटो तो इन्नी बड़ी हो गई तो अचार की मुकती ही नहीं, कि बहुत ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं। हूँ मैं इन्हू ला दूंगी नमक। मैं कटवा के कुछ परात डाले, कुछ मेरे अलग पे, मैं इन्हू इस तरह करूँगी करके ये तो नमक ला दूंगी। इन्हों अच्छी तरह मसल दूंगी। बस इसी तरह मैं नमक लाई जाऊंगी। इन्होंने ये उपर होर डाली जाऊंगी। अगर तो थोड़े को बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं बना रहे हैं 4-10 किलो का 15 किलो का, फिर तो एक बर्तन से नमक ला के नहीं रख सकते ना। फिर तो दो तीन बर्तन दो बर्तन च लाओगे या परात वड्डी सारी हो गई फिर। अगर परात नहीं हैगी मिट्टी का बर्तन वा मिट्टी जिवें कनालियाँ है या कुछ होर एवें दे तो ला के रख सकते हैं। तुसी सिल्वर वाले बर्तन च ना ला के रखो। जी सिल्वर वाले बर्तन च ला के रखोगे एक तो जो सुबह तुसी उन्होंने देखो सुबह सॉरी मतलब जिस टाइम भी देखोगे मैनू मैं आपदे देख रही कि मैं रात के टाइम ला के रख रही हूँ। मैं इनू सुबह अचार बनाऊंगी। हाँ यदा कम से कम तुसी जो ला के रखते हैं ना इनू 6-7 घंटे वास्ते तो जरूर ला के नमक रखो। इस तो ज़्यादा देर भी रख सकते हो तुसी पूरी रात। या अगर सुबह सुबह तुम ला के रखते हैं तो इन पूरी शाम तक ला के रखो। शाम में जाके अचार तुम पाओ। जो तुम रखते हैं ला के रखते हैं रात को मतलब 8-9 बजे तक रात को ला दें तो फिर इन सुबह अचार बना लो। बेशक सुबह तुम 9-10 बजे तक अचार बना लो, 12 बजे तक अचार बना लो, लेकिन खराब नहीं होंगे फिर जरा भी। मैं तो सारे एक ही परात च डाल रही हूँ, एक ही डाल के इन्होंने नमक ला दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मैं ला लिया है ना अच्छी तरह ला के इन्हों रख दिता। मैं तकरीबन 2-3 मुठियां भर के एवं करके नमक दिन लाइया। नमक ये तो जरा पानी बन जूगा, पानी यदा जिदा ही होगा सारा अंबा का पानी होगा ना तो ये सारा नमक भी निकल जाऊगा। ये ना कोई मसला नहीं होंगे। हम मैं इन रख देनी है एवं मैं रात में लाया वा इन रख दूंगी तो सुबह तक सुबह मैं इंशाल्लाह अचार बनाऊंगी। फिर मिलेंगे आप सुबह न। हाँ मैं तुम्हें दस रही थी कि सिल्वर के बर्तन का जोड़ा होंगे ना जो नमक वाला पानी हो एक तो बर्तन वो खराब हो जाता वा। दूसरा है कि वह पानी जोड़ा होंगे ना अचार अंब थले लगे होंगे नाल वो काले हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि सिल्वर के बर्तन च नहीं, तुम स्टील के बर्तन च लाओ या तुम मिट्टी के बर्तन च लाओ किसी च भी ला के रख दो कुछ नहीं होगा इन्हें। चलो ठीक है हूँ इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे जिंदगी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रात भर अंबा नमक ला के रखा से हूँ मैं इन्हों का अचार बनाऊंगी। इन मैं सब तो पहले तो जो नमक ला के रखा से उन्होंने चौक के बाहर कट लें पानी मतलब अलहदा अंब कर लूंगी अंबा चौक वह पानी तुम दिखाने कि कि पानी यदा निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 5 किलो अंब सी मेरे तो 5 किलो मैं रात नमक ला के रखे। हालांकि बिचो कट्टे कुटे वोदिया गिटकां कड़िया सारिया उन्होंने साडा तो सारा साफ भी किया करके फिर मैं नमक ला के रखे तो देख लो कि पानी निकलिया।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਬ ਗਲਣ ਦਾ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਅਚਾਰ ਗਲਦਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਲੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਸੌਂਫ ਲਈ ਆ 3 ਚਮਚ, ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ 3 ਚਮਚ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਚਮਚ ਲਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਪਾਂ ਨਾ ਕਟੋਰੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਚਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਮਚ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚਮਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆ। ਆਹ ਚਮਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਮਚ ਲਿਆ ਵਾ, ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ 3 ਚਮਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੌਂਫ ਦੇ, 3 ਚਮਚ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਧਨੀਏ ਦੇ, 2 ਚਮਚ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ, 1.5 ਚਮਚ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਚਮਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸੀ ਕਲਵੰਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਵਾ, ਅਤੇ 2 ਚਮਚ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਲੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ 3 ਚਮਚ ਲਏ ਵਾ, ਐਨ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰੇ, ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਏ ਹਲਦੀ ਦੇ, 3 ਚਮਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, 4 ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਆ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ। 3 ਚਮਚ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਲਏ ਆ ਨਮਕ ਦੇ, ਨਮਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਮਕ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੁੱਪੇ ਫੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਸੂੜੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਅਚਾਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਲਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਉਹ। ਐਵੇਂ ਲੈ ਵਾ, 1 ਪਾਓ ਮੈਂ ਲਸਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਲਸਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਸਾਲੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੀ, ਦੂਜੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਸੂੜੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਪਾਉਂਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ 'ਚ ਨਾ ਸਾਬਤ ਮਸਾਲੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਲਸਣ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਪ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀਆਂ 2-2 ਹੋ ਗਈਆਂ, 3-3 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਅਨਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਿਕਸ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹਿਮ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰਾਤ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਹਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਦੇ ਨਾ, ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਦੀ। ਲਸਣ ਡਾਲ ਦੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਲੂੰਗੀ ਅੰਬ, ਮੈਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਕਾਉਂਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਂਗੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਵੇਂ ਖੋਲੂੰਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਸ ਲਈ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਚਾਰ ਡਾਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਡਾਲੀ ਜਾਊਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਡਾਲਤੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ
और मिक्स कर लिया तो मसाला थोड़ा जहा बच गया ना, उन्होंने भी मैं ऐसे करके डाल दूंगी। हम मैदे से डाल दूंगी तेल, तेल मैदे से डाल दूंगी सरों का। पहले मैं तेल और डालूंगी कि मेरा तेल पिया सी थोड़ा जहा, अचार तो अचार वाला तेल ज्यादा सीगा होया पे उत्ते ते मैं उत्ते तो ला रहे अचार का तेल, क्योंकि तेल जड़ा हुंदा वा जे तो थोड़े को साफ सुथरा है पुराना तेल पिया, मतलब पहले अचार पाया उदा तेल थोड़े को साफ सुथरा है ना, तो फिर तुसी वो तेल डालो वो ही पालो तुसी अचार तो उन्हें कुछ नहीं हुंदा, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुंदा। ये मैं डाल दूंगी और मैं डालूंगी नवा तेल, पुराना तेल मेरा खत्म हो गया वो मैं डाल देता हूँ, और मैं डालूंगी नवा तेल। अच्छा मैं ये भी डालिया है 1.5 किलो तेल, लेकिन 1.5 किलो भी तेल मेरा कम आ, ये हम मैं थोड़ा जहा तेल होर डालूंगी फिर तुम अगे करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैं तेल होर डाल देनी है। बस ये इन्ना तेल डालूंगी तकरीबन, ये 2 किलो तेल डाल गया वो, ये इन्ना तेल डालना है कि जरा अंबा के उत्तों की आए कि बराबर हो जाए, कि यह ना हो कि तुम अचार पा रहे हैं तेल जरा अचार तो नीचे आ अंब उत्ते आ गए या लसूड़े आ या जड़ी चीज़ा भी अचार डाल रहे हैं वह तेल जरा वो नीचे और चीज़ा उत्ते आ गई तो वो वजह ना तो अंब जोड़े वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि जिनी देर तक एक तेल एक नमक ये दो चीज़ा पूरी हो अचार कदम खराब नहीं होता, पूरा साल तुम रख लो, साल तो भी बल्कि 2 साल तक भी अचार थोड़ा खराब नहीं होता, कि इन्हू पानी वाली कोई चीज़ ना लगी तो फिर यह खराब नहीं होता। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह मैं अचार डाल दी, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं 1 साल तो 1.5 साल तक भी मैं अचार मैं पूरा कर सकती, मेरे पिछले साल तो पिछले साल का मेरा आम का अचार रह गया से, मैं पिछले साल नहीं डाल सकी अचार, तो उस तो पिछले साल मैं आम का अचार डालिया से, हजे तक भी 2 साल गुजर गए हजे भी माशाल्लाह मेरा आम का अचार सही ठीक ठाक उन्हें पिया वा, जरा थोड़ा जहा प्या है बिल्कुल ठीक पिया। मैं अचार डाल के तुम दिखा रहा इसी तरह ही तुम डाले जो डाल के फिर तुम मैंने कमेंट करके जरूर दसा जी कि अचार मेरा किदा का बनया, थोड़ा अचार किदा का बनता, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता, ना इन्हों धुप लगानी पवे ना इन्हों मतलब जो तुम आम अक्सर लोग करते आम जो करते उन्होंने तोलते छावें पखियां तले तोलते, मैं कुछ भी नहीं करती असलो जी एवें ही रहा खट्टा अचार रहा माशाल्लाह बहुत सोहना होंगे, कलर भी जरा नहीं खराब होंगे, तो तुम इन इदा ही रखा जो बहुत अच्छा रहा इदा ही, मैं कदम ना हूँ इन्हें धुप्पे भी नहीं रखूंगी, 2-3 दिन बस इन इदा करूंगी, हर रोज इन थोड़ा जहा एक दफा चेक करूंगी हिलाऊंगी हिला के देखूंगी कि बिल्कुल ठीक जा रहा बिल्कुल ठीक हो, फिर बस 3-4 दिन तो बाद फिर बस इस्तेमाल करना काम शुरू कर दूँ, और आमदा चार तो 4-5 दिन तो बाद बन जाता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, अल्लाह हाफिज़ आप दुआ बहुत सारा याद रखना, अल्लाह हाफिज़।